Hello, what's up programmers? Welcome back to my channel. This is MD Fida Hussain and you are watching Logics of Engineer. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग while loop का एक अनदर example program देखने वाले हैं और इसमें हम check करेंगे एक odd even number को from 1 to 20 के 1 से 20 के बीच odd number कौन-कौन से हैं. Okay. तो guys, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा question है कि write a program to find out to check a number whether it is odd or even from 1 to 20. एक program लिखिए और check करिए कि जो number है वो odd even है. तो यहाँ पे अब हमारा header files लिखेंगे has include stdio.h has include conio.h void main function यहाँ पे या curly braces open curly braces close. इसके अंदर हम लोग एक variable लेंगे integer type का एक variable और उसके अंदर हम वो initialize कर देंगे. ठीक है, semicolon clr scr clear skin function यहाँ पे. अब यहाँ पर हम अपना condition check करें, इसके लिए हम लोग यहाँ पे while condition चलाएंगे. while a is less than equals to 20. यहाँ पे while के अंदर एक bracket open bracket close. यहाँ पे हमारा value printf करेंगे the odd number is equals to percent d comma a. ये print करवा दिया हम लोगों ने और यहाँ पे a equals to a plus 2 और अब यहाँ से ये get ch. देखिए हुआ क्या है कि हम लोगों ने main function हमारा लिखा, यहाँ पे हमने एक integer type के variable लिया, उसके अंदर वो initialize कर दिया है. clr scr function clear screen के लिए while का ये keyword में हम लोगों ने क्या किया है कि a में हम लोगों ने कितना initialize किया है 1. यहाँ पे चेक करेगा कि a मतलब 1 is less than equals 20, क्या 1 20 से छोटा है. अगर वो छोटा है तो हमारा ये पार्ट ये प्रिंट इफ प्रिंट हो जाएगा हमारा वैल्यू, अगर छोटा नहीं है तो वो डायरेक्ट प्रोग्राम नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो हमारा 1 जो a का वैल्यू अभी 1 है तो ये बस 1 जो है 20 से छोटा है वो आया नीचे यहाँ पे, एक बार 1 प्रिंट हो गया. उसके बाद वो सेकेंड में जब जाएगा तो यहाँ पर अभी हमारा a का वैल्यू देखे, यहाँ पे यहाँ भी हमारा a का वैल्यू है 1 और उसके साथ यहाँ पर अभी वैल्यू कितना 2 बार में इंक्रीमेंट होगा. मतलब जितना बार हमारा लूप चलेगा यहाँ पे आप देखें, जितना बार हमारा लूप चलेगा उतना बार हमारा a का वैल्यू प्लस 2 के साथ इंक्रीमेंट होगा. मतलब हमारा वैल्यू उसमें 2 प्लस 2 करके इंक्रीमेंट होता जाएगा हर बार लूप के दौरान. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा. तो अभी हमारा a का वैल्यू है 1 और इसमें प्लस 2 कितना हो गया 3 हो गया. तो अब यहाँ पर हमारा वैल्यू है 3, यहाँ पे चेक करेगा इज 3 इज लेस देन 20, a का वैल्यू 3 है तो इज 3 इज लेस देन 20 यस, वो फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे ये पार्ट ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद फिर यहाँ पर अभी हमारा एक वैल्यू कितना था 3 के साथ अभी यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना है ये 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 उसमें और ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5. अभी हमारा एक वैल्यू 5 है, फिर यहाँ पे चेक करेगा कि इस a इज लेस देन इक्वल्स टू 20, a का वैल्यू कितना है 5 है तो यहाँ पे चेक करेगा क्या 5 20 से छोटा है. यस, और छोटा है तो वो नीचे आके ये पार्ट प्रिंट हो जाएगा. इस तरीके से करते करते फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, 9 होगा, करते करते जब वो 17 में आएगा, 17 के बाद फिर 19 में आएगा. अभी हमारा वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर 17 था, यहाँ पे हमारा वैल्यू अभी 17 और प्लस 2 कितना होगा 19, 19 हो गया. यहाँ पे अभी हमारा एक वैल्यू जो है 19 हो गया मान लीजिए. यहाँ पे चेक करेगा इज a इज लेस देन 20, मतलब क्या 19 19 20 से छोटा है. यस, छोटा है, वो यहाँ पे आके एक बार और प्रिंट होगा यहाँ पे ये पार्ट. और जब a का वैल्यू हमारा हो गया 19, उसके साथ ये जब 2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया 19 प्लस 2 21 21 हो गया. तो अभी हमारा a का वैल्यू 21 है और उसके साथ यहाँ पर अभी हमारा कंडीशनल हम लोग चेक करेंगे कि क्या a इज लेस देन 20 वो 21 20 से छोटा है. नहीं, वो छोटा नहीं है, इसलिए वो इस पार्ट को स्कीप करके डायरेक्ट वो नीचे आ जाएगा. चलिए इसको एक बार हम लोग कंपाइल करते हैं, इजीली आपको समझता के समझ में आ जाए. यहाँ से हम लोग कंपाइल किए, देखिए प्रोग्राम सक्सेस हो गया हमारा. इंटर करते हैं, अब यहाँ से हम लोग रन करेंगे. अभी हमें बता रहा देखिए कि ऑड नंबर इज 1 द ऑड नंबर इज 3. अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों ने स्लैश एन का यूज नहीं किया इसलिए हमें इस तरीके से शो हो रहा है. चलिए अभी हम लोग इस पर यहाँ पे एक बार स्लैश एन यूज कर लेते हैं तो हर बार हमें न्यू लाइन में पार्ट में प्रिंट होगा. यहाँ पे स्लैश एन यूज कर लेते हैं. अब यहाँ पर कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम सक्सेस. अब यहाँ से रन करते हैं, देखिए हमें बता रहा है कि ऑड नंबर इज 1, ऑड नंबर इज 3, ऑड नंबर इज 5, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर वो नंबर जो 3 से डिवाइडेड होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं. तो ये सारे नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया प्रोग्राम में कि इसमें हम लोगों ने ऑड और इवन पता किया, जिसमें हमने 1 टू 20 हमारा लिमिट पहले ही बता दिया कि 1 से 20 के बीच हमें पता करना है कि कौन कौन से नंबर ऑड इवन के अंदर आते हैं. ठीक है, तो चलिए एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम थोड़ा अलग वे में सेम प्रोग्राम लिखेंगे, थोड़ा सा उसमें लॉजिक अलग रहेगा. ठीक है, तो गाइस जैसे इसमें देखिए हमारा प्रोग्राम क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक नंबर इज ऑड और इवन इफ रेंज आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड. उसमें हम लोगों ने 1 टू 20 एक रेंज बता दिया था. इसमें बोल रहा है कि एक प्रोग्राम लिखिए ऑड इवन का जिसमें रेंज यू
यूजर कीबोर्ड से डालेगा, तो यूजर जो भी कीबोर्ड से डालेगा उसके बेस पे हमारा कंडीशन चेक होगा कि वो ऑड या इवन है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने सेम यहाँ पर हमारा हेडर फाइल जैसे हैज इंक्लूड stdio.h हैज इंक्लूड kunai.h है, वो एडमिन फंक्शन हमारा, और यहाँ से देखिए अब इन डेटा टाइप में हम लोगों ने दो वेरिएबल लिए हैं, एक आर और एक आई। ठीक है, clrsr फंक्शन क्लियर स्क्रीन के लिए प्रिंट में हम लोगों ने एक मैसेज प्रिंट किया इंटर दी रेंज, इसके एनएफ में %d और एम्पर्सन आर जो भी इसमें यूजर वैल्यू डालेगा वो इस आर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आर के लिए हम लोगों ने इसका यूज किया रेंज के लिए। अब यहाँ पर आई में हम लोगों ने 1 इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 1 असाइन किया है। अब यहाँ पर हमारा व्हाइल कंडीशन चेक करेगा कि व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू आर, मतलब कि आई में भी कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल्स टू आर। अभी हमारा आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन ये आर यूजर डालेगा यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर आई का जो वैल्यू है वो आर से छोटा हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे इफ में हम लोग देखिए इफ कंडीशन का भी यूज किए हैं, इसमें क्या करेगा वो चेक करेगा कि इफ आई डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0, मतलब कि आई अगर 2 से डिवाइड होने के बाद इक्वल्स टू 0 उसका रिमाइंडर बचता है, तब यहाँ पर हमारा ये मैसेज प्रिंट होगा कि द इवन नंबर इज आई, या फिर अगर वो रॉन्ग होता है तो द ऑड नंबर इज आई। उसके बाद यहाँ पर आप फिर देखें कि आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए और यहाँ से गेट सी एच। तो चलिए इसको एक बार हम लोग कंपाइल करते हैं, कंपाइल किए देखिए प्रोग्राम सक्सेस, 0 वार्निंग 0 एरर्स, इंटर किए। अब इसको रन कर लेते हैं, इंटर दी रेंज, यहाँ पर रेंज मांग रहा है, मान लीजिए अभी यहाँ पर देते हैं अगर 47, चलिए 57 दे दिए, इंटर करते हैं। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे हमारा इस तरीके से शो हो रहा है, कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या शो कर रहा है, राइट। तो एक बार इसको इंटर करते हैं, यहाँ पर हम लोग स्लैश एन का यूज करते हैं ताकि इजिली हमको सब कुछ दिखाई दे यहाँ पे। यहाँ पर इस तरीके से स्लैश एन यूज किए और स्लैश एन यहाँ पर भी यूज करेंगे। अब अगर इसको कंपाइल करते हैं, फिर से प्रोग्राम सक्सेस, रन किए। अब यहाँ पर यूजर से हम लोग अगर नंबर डालते हैं कि 25, इंटर करते हैं, देखिए हमें बता दे रहा है कि कौन सा ऑड नंबर है, कौन सा इवन नंबर है। द इवन नंबर इज 2, द ऑड नंबर इज 3, द इवन नंबर इज 4, द ऑड नंबर इज 5। इसमें इवन नंबर कौन सा है, ऑड नंबर कौन सा है, दोनों बता दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ये सेट करना खुद के ऊपर है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने दोनों में आई प्रिंट किया है। अगर हम यहाँ से इसको अगर हटा देते हैं इस तरीके से, इसको अगर हम लोग इस तरीके से हटा दिए और यहाँ पर अगर हम लोग अब लिख देंगे, अगर जो ऑड नंबर होगा वो हमारा डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से स्लैश एन, अब इसको एक बार हम लोग कंपाइल करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सक्सेस। अब इसको हम लोग रन करते हैं, इंटर दी रेंज, रेंज मांग रहा है। अगर यहाँ पर हम अगर 12 देते हैं, इंटर, देखिए बता रहा है कि द ऑड नंबर इज डिफरेंट, मतलब कि हमारा ऑड नंबर जो है वो कुछ और है, हमें सिर्फ हमारा यहाँ पे इवन नंबर बता रहा है कि द इवन नंबर इज 2, द इवन नंबर इज 4। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप यहाँ पे आई को प्रिंट करवाना चाहते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे आई प्रिंट करवाया गया है उस तरीके से आप यहाँ पे आई प्रिंट करवाना चाहते हैं या नहीं। तो ये एक्चुअल फुल फंडा, तो आई होप कि ये फुल फंडा आपको इजिली समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ यू आर न्यू इन माय चैनल, काइंडली प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन, डू कमेंट ऑन माय वीडियो एंड डू शेयर माय वीडियो विद योर अदर फ्रेंड्स। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।